कृपया ध्यान दीजिए, अब तो देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हो चुकी है। जब परिवार के साथ कहीं लंबी दूरी तय करनी हो तो ट्रेन ही लोगों की पहली पसंद होती है। ऐसे में अब वंदे भारत भारत के सामान्य परिवारों की पहली पसंद बनती जा रही है। भारतीय रेल में पिछले 9 वर्षों में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, किस तरीके से यात्रियों को सुविधाएं दी जा रही हैं, कितना बदलाव हुआ है ट्रेन की गति में, किस तरीके से रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है, नए जमाने की ट्रेन किस तरीके से चलाई जा रही है, वंदे भारत ट्रेन ने भारतीय रेल की तस्वीर बदल दी है। और हम हैं कानपुर सेंट्रल पर, यहाँ से हम वंदे भारत ट्रेन के जरिए जाएंगे वाराणसी और लोगों से जानेंगे बीते 9 वर्षों में किस तरीके से बदली है भारतीय रेल की तस्वीर। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसमें उच्च कोटि की यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है और निश्चित रूप से इसकी स्पीड ये दर्शाती है कि भारत की गति, भारत के विकास की गति क्या कुछ कहती है, भारत के विकास की गति, भारतीय रेलवे में क्या कुछ बदलाव हुए हैं इन 9 वर्षों में, चाहे तमाम सारी चीज़ों को लेकर, स्वच्छता को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो और सबसे बड़ी बात यात्री की सुविधा को लेकर। उच्च कोटि की सुविधाओं वाली यह ट्रेन यात्रियों को बहुत ही कम समय में उनकी दूरी तय करती है और यहाँ पर जो यात्री सफ़र करते हैं क्या कुछ महसूस करते हैं, कैसे उनको समय उनका बचता है, किस तरीके से उनको यहाँ पर सुविधाएँ दी जाती हैं। हमारे साथ इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में जो यात्री सफ़र कर रहे हैं उनसे जान रहे हैं क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है इस ट्रेन पे आपको? काफ़ी अच्छा फील होता है। हम लोग तो बनारस से कानपुर अक्सर ट्रैवल करते रहते थे। वंदे भारत आने से पहले हम लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल करते थे, लेकिन वंदे भारत आने के बाद हम लोग को फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहता है कि पहले इसमें सीट मिल जाए, अदर दूसरी कोई ऑप्शन रहते नहीं है। नहीं तो वंदे भारत इज़ ए गुड ट्रेन फॉर इंडिया एंड वी ऑब्वियसली टू प्राउड ऑफ इट। रेलवे की सुविधाओं की अगर हम बात करते हैं, हम देख रहे हैं आप वाराणसी जा रहे हैं, वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, 14 के बाद में रेलवे में बुनियादी चीज़ों पे जो चेंज किए गए हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री जी स्वच्छता की जब बात करते हैं, हाँ हम देखते हैं रेलवे स्टेशन हो या ट्रेन हो, आप क्या कुछ महसूस करते हैं आप? नहीं, ये काफ़ी चेंजेस हुए हैं मोदी जी के आने के बाद। जो साफ़ सफाई आप देख सकते हैं, कोचेस में हमारे साफ सफाई रेगुलर हो रहे हैं, स्टेशन भी साफ़ सुथरे रहते हैं, पेयजल सुविधा सारी चीज़ पहले से बेटर हुई है, शौचालय वगैरह भी काफ़ी नीट एंड क्लीन रहते हैं। अगर आप उसको उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत समझ में आती है, आप ट्रेन कोच या अटेंडेंट से आपके कहने पे आपकी सुनवाई तुरंत हो रही है। ये काफ़ी चेंजेस देखने को हमको मिले हैं भारतीय रेल में। बड़ी बात आपने बोली है कि खासतौर से जो रेलवे का स्टाफ है उसके व्यवहार, उसके बिहेवियर में भी चेंज होने की बात कर रहे हैं, आप कैसा लग रहा है ट्रेन में? मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि मुझे मेरा टाइम बहुत बचता है। पहले मुझे बनारस जाने में 6-7 घंटे तो लग ही जाते थे, अब 3-3.5 घंटे में तो पहुंच जाती हूँ आराम से। सफाई तो बहुत ही है स्टेशनों पे, खास करके पहले स्टेशन के नीचे चलने में बहुत थोड़ी दिक्कत होती थी, अब तो काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा है। सबसे चीज़ें टॉयलेट वो काफ़ी क्लीन है तो उसके लिए अच्छा है, खास करके बच्चे को लेकर चलना तो बहुत ही अच्छा है, तो मेरे लिए बहुत ही सुविधाजनक है। सही है, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात होती है यात्री सुविधा, और यात्री सुविधा बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर देश के लोग ये चाहते हैं कि उनको अपनी यात्रा के दौरान कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। वंदे भारत ट्रेन में आपको कैसा लगता है सफर करने में? नहीं सर, हमारी तो ऑलवेज प्रेफर रहती है कि जब भी हमको मौका मिले तो हम इसी में जाएं, तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है विद इन द रूट। और ऑफ कोर्स इसकी जो जर्नी टाइम सबसे कम जो टाइम लगता है दैट इज़ ऑलवेज गुड इन दिस ट्रेन, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट है। और हम तो उम्मीद करते हैं कि अभी तो हम बैठ के यात्रा कर रहे हैं, बट फ्यूचर में ऐसा हो, जल्दी हो,
कि हमें लेट के भी वंदे भारत का अनुभव हो सके। आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में आपको क्या कुछ महसूस होता है? नहीं, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है हमारे को। जो पहले फैसिलिटी मिलती थी उससे ज़्यादा फैसिलिटी है इसके अंदर में, और स्पेस वगैरह जो इसकी टाइमिंग वगैरह है ट्रेन की, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है यात्रा करने में समय बचने की। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसमें कि आप किस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, कोई कष्ट नहीं है यात्रा के दौरान, ऐसे में ये आपका समय बचाती है, और उससे आप क्या कुछ फ़र्क पड़ता है यात्रियों को? इस समय बचाने से बहुत फ़ायदा होता है। मैं बिजनेस के हिसाब से जा रहा हूँ, तो मैं शाम को भी वापसी आ सकता हूँ घर, या अपना जल्दी काम करके आ सकता हूँ, इसीलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंदर। जो पहले ट्रेनें चलती है उससे सुविधा है इसमें, नई टेक्नोलॉजी आई है तो सुविधा तो मिलेगी उसी, स्टाफ भी बढ़िया है, बेटर सुविधा मिलती है पब्लिक को, यही पब्लिक यही चाहती है, और सेफ्टी भी है, बंद है गाड़ी, कोई बाहर का आदमी एंट्री नहीं कर सकता, हर तरह से सेफ है गाड़ी, बेटर है। 9 साल पहले हम जब कल्पना करते थे, तमाम चीज़ें होते होते चीज़ें होती हैं, विकास की गति की अगर बात करते हैं, हम विद्युतीकरण की बात करते हैं रेलवे में, अब तब से लेकर बीते 60 वर्षों में 21,000 किलोमीटर विद्युतीकरण होता है, और इन 9 वर्षों में ही 37,000 विद्युतीकरण होता है। अगर इस तरीके से देखते हैं आप कि फ्यूल भी बचा, इलेक्ट्रिसिटी से पॉल्यूशन भी बचा, इन सब चीज़ों पे आपकी कभी नज़र जाती है? 9 साल के अंदर हर चीज़ में अपग्रेड हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो उसमें हर चीज़ में, खाली ट्रेन का नहीं है, हर चीज़ में अपग्रेड हुआ है। एक चीज़ को मायने नहीं रखते, मतलब भाई खाली हम ट्रेन से लें तो पूरा विज्ञान बदला है, और आने वाले टाइम में और बदलेगा। हर एक पैसेंजर को सिर्फ कंफर्टेबल की नेसेसिटी होती है, और फूड भी अच्छा होना चाहिए, ट्रैवलिंग की वजह से कुछ सफरिंग नहीं होना चाहिए। इधर फूड अच्छा मिल रहा है, कंफर्टेबल है, बच्चे भी लाइक दे आर वेरी कंफर्टेबल इन दिस अम्यूनिटीज एंड ऑल, एंड इट्स अ टाइम सेविंग प्रोसेस टू, वी कैन रीच आवर पोजिशन डेस्टिनेशन, एंड वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू फुलफिल, एंड आई एम सो हैप्पी, लाइक बहुत अच्छा है इधर, लाइक ट्रैवल करना और सब कुछ देखना, इट्स सो नाइस, दैट्स व्हाट आई वांट, एंड इन फर्दर ऑल्सो देर बी मोर डेवलपमेंट्स इन दिस, इन सब रेलवेज, और इसकी भी ज़्यादा फास्ट एक्सप्रेस भी आ सकती है, आई विश दैट कम ट्रू, एंड आई विश टू ट्रैवल इन दैट टू। अच्छा है, कम्फर्टेबल यात्रा है, और मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट 9 सालों में हुआ है वो बहुत बेहतरीन हुआ है, और निश्चित रूप से आपने जो सवाल किया था कि क्या कंपेयर किया जा सकता है, निश्चित रूप से कंपेयर किया जा सकता है, निश्चित रूप से हम लोग अभी विकसित होने के कगार पे हैं, निश्चित रूप से। ये एक टेक्नोलॉजी चेंज की भी बात की जाती है इसमें, कि वंदे भारत ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, दुनिया में सिर्फ 8 देश में ही ये ट्रेन बनाई जाती हैं, तो हम भी उन 8 देशों में शामिल हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए प्राउड की बात है, और मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार जो इस तरह का प्रोजेक्ट ले आ रही है, ये हम लोगों की विदेश नीति का भी एक अच्छा जो सुखद अनुभव है, तो विदेश नीति का भी एक परिणाम है। सारे लोग हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, और उनकी टेक्नोलॉजी हम, और मुझे ये लगता है कि शुरू से ही हम इस बात के पक्षधर रहे हैं कि हम सामान बाहर से ना ले आएँ, बल्कि तकनीक हम बाहर से ले कर आएँ। तरीके से लाभकारी होती है एक आम आदमी के जीवन में टेक्नोलॉजी का बदलाव? बहुत लाभकारी होता है। सबसे बेस्ट पार्ट इस ट्रेन का है कि चोरी से थोड़ा बचाव होता है, क्योंकि उसमें कैमरे लगे हुए हैं ऑलरेडी, और आपका टाइम भी बहुत बचाव होता है। जिस जनरेशन से हैं, यूथ में आते हैं, और यूथ पिछले 9 सालों से और अब की बात करता है, और नए भारत की जब बात करता है, नए भारत में तमाम सारी चीज़ें नई होनी चाहिए, और आपको लगता है कि अब हम आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं? बहुत तेज़ी से हमारी कंट्री डेवलप कर रही है, और स्पेशली कहूँगा कि मोदी जी ने बहुत आगे ऑल ओवर, मतलब इंडिया में बहुत तरक्की करी है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी बहुत नाम हुआ है। और आपने जैसे अभी बताया कि जो ये जो ट्रेन है, हमारा जो इंडिया है 8th पोजिशन पर आ गया है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेन वंदे भारत, तो मैं कहता हूँ और तरक्की होनी चाहिए। हमारा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ही है, हम लोग दिल्ली से बनारस जा रहे हैं, तो अभी तक तो बहुत अच्छी है सर्विसेज, और ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल भी है, और स्पीड भी काफ़ी है, तो किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, तो बहुत मज़ा आ रहा है।
लगातार चीज़ें चेंज हो रही हैं, बदलाव हो रहे हैं, और इस ट्रेन में जो सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों का समय बच रहा है, कैसा लगता है इस ट्रेन पर यात्रा करने? काफ़ी अच्छा लगता है, समय बच रहा है। 8 घंटे में हम दिल्ली से जो है बनारस पहुँच जा रहे हैं, जो पहले संभव नहीं था। और इस वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है, इसमें सीटिंग चेयर है, एसी है, टॉयलेट्स भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, अब साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है, प्लस जो इनका जो कैटरिंग है काफ़ी अच्छा है वो। अच्छा, हम ये भी बात को इसमें जोड़ सकते हैं कि अगर समय बचता है, कोई बिजनेसमैन हो या सर्विस क्लास हो या स्टूडेंट हो, तमाम सारी ज़रूरतें होती हैं, समय पर अगर आपका वो काम पूरा हो जाता है तो उससे जीवन में भी प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए ये सुबह चलती है, वहाँ से 2 बजे पहुँच जाती है बनारस, फिर वापस 3 बजे चलती है, रात के 11 बजे पहुँच जाती है। तो आप एक दिन में ही बनारस आके वापस जा सकते हैं, ऐसा अब संभव हो गया है। सही, कैसा लगता है? अच्छा है ये, बच्चे बताएंगे कैसा लगा। अच्छा है एक्सपीरियंस, अच्छा है ट्रेन का, लेकिन ठंडा थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, बस वही है। बहुत अच्छी ट्रेन है, और इस ट्रेन में आने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा फील हुआ है। समय की बचत भी है और बहुत कम फेयर भी, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं, जिससे आपसे इसकी सुविधाएं हैं, साफ़ सफाई वगैरह बहुत अच्छी, गुड इसका, संतुष्ट हैं इससे हम लोग। हम ये भी बात कर रहे हैं साथ साथ कि 9 सालों में कितनी भारतीय रेल बदली है। पहले भी सफ़र करते रहे होंगे, बचपन से सफ़र करते हैं सभी लोग, तो अब के रेलवे स्टेशन की बात करें हम, तब के रेलवे स्टेशन की बात करें, अब की ट्रेन्स की बात करें, जब भारतीय रेल में वंदे भारत ट्रेन में भारतीय रेल की तस्वीर बदल दी है, क्या बदलाव आपको देखे हैं? ट्रेन की नहीं, पूरे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदली है। पहले जगह जगह पर मूँगफली के छिलके, मसाले के वो थूक, ये कभी पोछा लगते नहीं देखा था प्लेटफॉर्म पर, वो चीज़ें अब नज़र आती हैं, और पब्लिक भी जागरूक हुई उसकी वजह से। नहीं तो पहले आम आदमी जहाँ होता था वहाँ छिलके वगैरह, कोई डस्टबिन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, अब वो चीज़ प्लेटफॉर्म में दिखती है, ट्रेन में भी दिखती है। साफ़ सफाई सबसे बेस्ट हुई है इन 9 सालों में, कुछ बदला जाए ना बदला, पर साफ़ सफाई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हुआ काम, 9 साल का काम बहुत अच्छा था। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और क्या कहते हैं, जैसे कि अभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे जो चीज़ जानकारी नहीं है वो भी आपको कहते हैं रेलवे स्टेशन में, आप क्या कहते हैं, प्रोवाइड की जाती है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा, क्या कहते हैं, मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। इस रूट पर यात्रा करने वालों की ये पहली पसंद बन गई है वंदे भारत ट्रेन, तमाम सारे लोग अपने साधनों से यात्रा करते थे या अन्य साधनों से, अन्य विकल्प थे उनके पास, लेकिन सबसे पहला विकल्प वंदे भारत ट्रेन बन गई है। क्यों भाई साहब? हाँ, बहुत अच्छा है। कैसा रहता है? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, आराम से जा सकते हैं। ट्रेन में उच्च कोटि सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है। यहाँ पर RPF के एक दस्ता चलता है, और साथ साथ पूरे हर कोचेस में CC कैमरे के द्वारा देखा जा सकता है, नज़र रखी जा सकती है। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं, उच्च कोटि की हैं, और तमाम सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ख़ासतौर से जो यहाँ पर रेलवे का स्टाफ चलता है, उसका बिहेवियर, उसका बर्ताव, यहाँ पर तमाम यात्री उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात होती है जब आप यात्रा करते हैं तो किस तरीके से आपका सफ़र आरामदायक हो, सुविधाजनक हो, और तमाम सारी चीज़ें आपको जो कठिनाई होती हैं वो यात्रा में सामना ना करना पड़े। रेलवे के बदलते हुए स्वरूप को किस तरीके से देखते हैं, कितना सफ़र आपका आरामदायक हुआ है? बेटर है इसके समय, क्योंकि समय से चलती है, और बाकी इसकी जो व्यवस्थाएं हैं, क्लीनिनेस है वगैरह, साफ सफाई, दूसरी ट्रेनों से बेहतर है इसकी। बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत अच्छा सफ़र रहा है, और टाइम से चल रही है, सब कुछ अच्छा ही है। मैं पहली बार अपने बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, एंड आई एम फीलिंग सेफ। इसे कहा जाता है कि पटरियों पर एरोप्लेन उतर आया है, इसकी स्पीड भी है, समय भी बचा रही है और सुविधाएं भी दे रही है, इससे फर्क पड़ता है, मतलब जो तनाव होता था यात्रा? हाँ, जो स्ट्रेस होता था एक की लंबी ट्रेन की यात्रा, वो स्ट्रेस बहुत रिड्यूस, और हमें पता है कि हाँ बिल्कुल राइट टाइम पहुंचना है, तो वी आर सो मच रिलैक्स्ड। बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा खाना, अच्छा टॉयलेट, सब कुछ, मतलब इट इज़ क्लास। सबसे बड़ी बात तो टाइमिंग का फ़र्क पड़ा है सर, जो टाइमिंग हम 12-14 घंटे में अवेल कर रहे थे, जो चीज़ हमारा ट्रैवलिंग टाइम था वो रिड्यूस हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो उससे काफ़ी कन्वीनियंट हो गया। अब हम लोग सुबह 6 बजे चले हैं और 2 बजे
डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, तो ये हमारे लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। तो यात्रा अत्यधिक सुविधाजनक है और इस यात्रा में सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। वंदे भारत की यात्रा आपको लगता है रेल की यात्राओं में किस तरीके का बदलाव है? मैं वैसे वंदे भारत में पहली बार आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। भारतीय रेल का भी हम बात ही कर रहे थे माँ बेटी दोनों, कि भारतीय रेल में इतना बदलाव आ सकता है ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे, जो भी बदलाव आया भारतीय रेल में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, कभी सोचा ही नहीं था इंडियन रेलवेज इतनी अच्छी तरीके से सक्सेस उस पर जाएगा। बहुत अच्छा काम किया है। वाराणसी में मैं रहती हूँ, पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कभी भी मुझे इलाहाबाद जाना होता है या कहीं भी जाना होता है तो वंदे भारत से जाती हूँ। मैंने इसका नाम वंडर भारत रखा है ड्यू टू इट्स फैसिलिटीज़। एक तो इसकी फैसिलिटीज़, टाइमिंग, पंक्चुअलिटी, इसका ब्रेकफास्ट और लंच जो है, नाम ही मैंने इसका रखा है, इट इज़ वंडर भारत, नॉट वंदे भारत। वाराणसी है तो एक प्रश्न और आपसे है कि 9 वर्षों से मोदी जी वहीं से सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, 9 वर्षों की इस विकास यात्रा को आप कैसे देखती हैं? देखिए, 9 वर्षों की विकास यात्रा से पहले तो ये बताएंगे आपको कि हम बनारस में ही पैदा हुए, वहीं पढ़े BHU में और वहीं जॉब भी करते, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो हमें लगता है कि 1972 से लेकर अब तक में बनारस में कोई चेंज नहीं था। जब से मोदी जी वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई है 2014 से लेके, मुझे तो एक एक दिन का डेवलपमेंट याद है कि सड़कें कैसे चौड़ी हुई, ट्रैफिक कैसे अच्छा हुआ, पुल कैसे बना, बाबतपुर का एयरपोर्ट कैसे बना, बनारस का कंजेशन कैसे कम हुआ। मुझे लगता है कि 2014 से लेकर 2023 तक में जितना डेवलपमेंट हुआ उतना ना मेरी स्टूडेंट लाइफ में व्हाइल आई वाज स्टडीइंग इन BHU और जब से मैं नौकरी कर रही हूँ उतना कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर उनको 2 टर्म और मिलेगा तो बनारस जो है किसी भी US के अच्छे सिटी से या इवन जो दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव जैसा बनने में उसको देर नहीं लगेगी, बल्कि वो और ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज़ है। इवन आपको बताएं, हम लोग तो BHU के साइड में रहते हैं तो पहले दिल्ली जाने के लिए हम लोग फ़्लाइट प्रेफर करते थे, पर जब से वंदे भारत चलने लगी है हम लोग भूल गए कि दिल्ली भी फ़्लाइट से जाया जा सकता है। मुझे लगता है कि जब भी अगर वंदे भारत में टिकट खाली है तो लेके दिल्ली चले जाओ, मैंने फ़्लाइट से ज़्यादा इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। अच्छा अनुभव है, बेहतर है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है और नई शैली से बनाई गई है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। वैसे हम वाराणसी से अगर रेगुलर एक्सप्रेस से जाएं तो उसमें तो पूरी एक रात का सफ़र होता है, इसमें हम सुबह बैठे हैं और अब दोपहर तक हम 8 घंटे के सफ़र में पहुंच जाएंगे, तो ये तो बहुत ही समय बचता है, आगे हम घूमने के लिए हमारे पास टाइम रह सकता है, तो इसलिए बहुत अच्छी प्रयास है ये, बहुत अच्छा है वंदे भारत चल रही है, बहुत अच्छा लगा हमें। 9 सालों में रेलवे की तस्वीर बदल रही है, काम हो रहा है, हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी पे भी जोर दिया जा रहा है। आप वंदे भारत में जब सफ़र कर रहे हैं तो हमारा समय बच रहा है और समय जब बचता है अमूल्य होता है, बहुमूल्य। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है समय की बचत, क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड होते हैं, 24 आवर्स में हम यदि जिस जगह 8 घंटे लगते थे आज हम 6 घंटे में पहुँचे हैं या 4 घंटे में हम कानपुर से बनारस पहुँच रहे हैं, तो अपने आप में एक क्रेडिटेबल सक्सेस है, समय के साथ साथ अचीवमेंट्स करा है। और दूसरी बात ये है कि अब जैसे फैमिली को भी ले जाना होता रहा है तो कंफर्टेबल है, हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी है, प्लस जो एमिनिटीज़ दे रहे हैं वो भी ठीक है, ओवरऑल एक बेटर एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस। हम बदलाव की अगर बात करते हैं तो रेलवे में आप रेलवे स्टेशन पर जब यात्रा करने जाते हैं तो स्टेशन पर भी जाते हैं, उसके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तमाम लोग जुड़े होते हैं रेलवे से, उसमें बदलाव किस तरीके से देखते हैं, क्या बदलाव? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बदलाव हो रहा है वो तो खैर दिख ही रहा है, एक अमूल चूक जैसे प्रीवियस ईयर लास्ट डिकेड में देखा कि जो थोड़ा सा जो डेवलपमेंट था वो उस स्पीड से नहीं था, बट ये जो चल रहा है समय इसमें डेवलपमेंट तो सामने अपरेंट हो रहा है। सर्विस बहुत अच्छी है, क्लिनलीनेस है, मतलब ट्रेन से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, बट एक्सपीरियंस करने के लिए किया और बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से बनाया गया है, जिस तरीके से सर्विस दी जा रही है, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया, इट्स वर्किंग वेरी हार्ड। मेरा फर्स्ट टाइम है ट्रैवल करना, नॉर्मली वी ट्रैवल ओनली बाई फ्लाइट्स, बट वंदे भारत का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल। नहीं, काफ़ी अच्छा लगा, ट्रेन में तो मैं पिछले 25 सालों से सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन जो वंदे भारत का पहला सफ़र है मेरा, जो सिक्योरिटी जैसे कि डोर क्लोज वगैरह की है,
ट्रेन स्टेशन पे ट्रेन तभी चलेगी तब डोर क्लोज होंगे, तो एक अच्छी सिक्योरिटी है। बुलेट ट्रेन की तरफ आप बढ़ चले हैं, ये सबसे बड़ा मतलब श्रेय भारतीय रेलवे को जा रहा है इस चीज़ के लिए कि हम सेमी हाई स्पीड की तरफ चल दिए और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ में चल रहे हैं इतने कम किराए में। इन 9 वर्षों में आपने क्या बदलते हुए देखा? वंदे भारत ट्रेन ने भारतीय रेल की तो तस्वीर बदल दी है। भारतीय रेल की कम समय में ज़्यादा लोगों को पहुँचाने की क्षमता इसमें है और सारे प्लेटफॉर्म जितने भी प्लेटफॉर्म हैं साफ़ सुथरे हो गए और नए ढंग से नए लुक में जो है आ रहे हैं। तो वंदे भारत लगभग जो है हर राजधानी प्रदेश के हर राजधानी से जुड़ना चाहिए। बहुत अच्छा है, सुबह 6 बजे जब गाड़ी निकलती है और राइट टाइम बिल्कुल निकलना और आगे राइट टाइम चलना और सब लिहाज से बहुत अच्छी तरीके से है, वेल मैनेज्ड है, बहुत अच्छी है, सफाई अच्छी है, प्लस में खाना पीना भी सब बहुत अच्छा है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये ट्रेन बहुत ही सूटेबल और बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन है। बहुत अच्छी, बहुत सुलभ यात्रा है, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देंगे, मोदी जी को धन्यवाद देंगे इसके लिए। और मेरे पास सब धन्यवाद, इस 9 साल में इतना बदलाव हुआ है कि पिछले 50 साल में बदलाव नहीं हो पाया है। मैं उनकी बहुत टीम को, पूरी टीम को सराहना करता हूँ और बहुत अच्छा कार्य उनका हो रहा है और काफ़ी बदलाव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। द ट्रेन इज़ रियली गुड, जो भी इंडिया में आज फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ट्रैवलर्स को, फ्रॉम दिल्ली टू वाराणसी आई एम ट्रैवलिंग और इट इज़ अ वेरी लग्जरी एक्सपीरियंस। जैसे हम फ्लाइट में ट्रैवल करते थे आज वैसा ही फील आ रहा है कि हम रोड पे भी वैसा ही ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत कोऑपरेटिव है आपकी टीम और बहुत ध्यान रखती है, जो भी हम बात करते हैं या जो भी मांग रहे हैं उस चीज़ में वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और मोर ओवर माई किड्स माई फैमिली दे आर इन्जॉइंग द ट्रिप, सीट्स आर वेरी कम्फर्टेबल, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड। हाँ, ट्रेन में बहुत बहुत गर्क है बट ऐसी ट्रेन बहुत अच्छी थी एंड बहुत मज़ा आया हमें इस ट्रेन में हमने ट्रैवल किया और ये बहुत न्यू टाइप की ट्रेन थी वंदे मातरम एक्सप्रेस। जब हम गुजरात गए जब मैंने इसकी पिक्चर देखी थी तो मैं चाहती थी कि मैं इसमें बैठूँ एंड हाँ अब मुझे बहुत मज़ा आया इसमें। इसका मतलब मैंने तो मम्मा को आती ही कह दिया था ये बिल्कुल एरोप्लेन टाइप का है एंड सब कुछ फैसिलिटीज़ वैसी है। बहुत बढ़िया है, ये हमारे देश की उन्नति का प्रतीक है जो ये चल रहा है वंदे भारत जो है, ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। इट इज़ वेरी गुड, वेरी लग्जरियस जर्नी, द पीपल आर जो स्टॉप है बहुत ही कोऑपरेटिव है और बहुत बढ़िया फील होता है कि हम 8 घंटे में दिल्ली से चल के बनारस पहुँच जाते हैं। नहीं, हम कभी भी 15-16 घंटे में पहुँचते थे हमेशा, कोई भी ट्रेन चले राजधानी को छोड़ कर के। इट इज़ वेरी गुड, समय बचता है और सबसे बड़ी बात है जब समय हमारा बच रहा है तो हम अपना काम अपने ऊपर ध्यान करेंगे और कुछ और अच्छा कर सकते हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि हमको भी इससे उदाहरण देना चाहिए कि चीज़ें हमको समय से पहले अगर हम कर सकते हैं, एक निश्चित समय में हम चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, अपना उद्देश्य अपना लक्ष्य, तो हम निश्चित रूप से अपने देश के निर्माण में कहीं ना कहीं भागीदार साबित होंगे। बहुत वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है विकास में भी, लोगों को रोज़गार मिलता है, गाड़ियाँ बन रही हैं, डिप कोचेज बन रहे हैं, फ़र्क तो पड़ता ही है, इसमें रोज़गार मिलता है, विकास भी हो रहा है। अभी जैसे भारत अभी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में आया है जो कि बाकी देशों से बहुत अच्छा चल रहा है और जिस तरीके की सुविधा है, जैसे हमने देखा कि महिला पुलिस भी है और मेल पुलिस भी है, तो सुरक्षित अगर यात्री महसूस करेंगे अपने आप को तो बढ़िया ही रहता है, वो गवर्नमेंट भी अच्छी रहती है और देश भी आगे इसी से चलता है। बदलते रेलवे की अगर बात करते हैं, हम देखते हैं एक सबसे बड़ी बात हुई, एक जन आंदोलन चला पूरे देश में स्वच्छता का, तो ऐसे पे रेलवे में आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हमने कानपुर स्टेशन से लेकर वाराणसी हम यात्रा कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि अब गंदगी करने में लोगों की सोच बदली है और रेलवे की तरफ से भी जो सुविधाएं हैं स्वच्छता को लेकर वो बहुत अच्छी हो गई हैं पहले से। निश्चित तौर पर इस फील्ड में रेलवे ने बहुत बड़ा काम किया है। आप पहले देखते होंगे कि आज के लगभग 1 दशक पहले पूरा क्लीनिंग जो होती थी मैनुअल होती थी, इस कारण से इतना क्लीनिंग का इफ़ेक्टिवनेस नहीं आता था और अभी पूरा ऑटोमेटिक है, मैकेनाइज्ड है, मशीन से पूरी क्लीनिंग हो रही है, तो पूरी एरिया भी बड़े अच्छे से कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मतलब क्लीनिंग हो रही है। और दूसरा क्या है ना, ये जो इस गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है और ये एक सोशल चेंज है,
जब छोटे बच्चे देखेंगे कि ऐसा चेंज हो, ऐसे भी हो सकता है ये चीज़ें, तो उस केस में फिर अपने अगली वाली पीढ़ी को ये लोग समझाएंगे कि इस तरह से सफाई रखी जा सकती है, हम गंदगी ना फैलाएं, साफ़ करने वाला तो साफ करेगा, पहले हम गंदगी ना फैलाएं तो फिर साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यात्रा अच्छा लग रहा है, यात्रा तो अच्छी है वंदे भारत। हम तो चाहते हैं इंडिया में और भी बहुत सी जगह शुरू हो तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसे लखनऊ टू जयपुर। बहुत अच्छा, ट्रेन में सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं और सारी फैसिलिटी जो हैं अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आ रही हैं। इसमें भारतीय रेलवे भी काफ़ी अच्छा अनुभव मिल रहा है। पहले शताब्दी से भी कई बार चले, अलग अलग ट्रेनों में चलने का मौका मिला, लेकिन वंदे भारत में चलने का एक अलग एक्सपीरियंस मिला है। साफ़ सफाई को लेकर के या सीटिंग कैपेसिटी और बाकी चीज़ें हैं काफ़ी बेहतर हैं पहले से। हम लोग पहले दिल्ली से बनारस छोटे बेबी की वजह से फ़्लाइट से प्लान कर रहे थे, बट फिर मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम पहली बार वंदे भारत को एक्सपीरियंस करें, और सही में छोटे बेबी के साथ भी मेरे लिए ये सफ़र बहुत ही कंफर्टेबल रहा। इन ट्रेन में एग्जीक्यूटिव क्लास में बहुत ही अच्छा लेग स्पेस है, जिसकी वजह से आराम से बेबी ने पूरा टाइम प्रेम में रेस्ट किया है, और ट्रेन में अलग और सुविधाएँ जैसे कि खाना, टॉयलेट बहुत ही बढ़िया है। बिजनेस क्लास को ये फ़ायदा दे रही है ट्रेन? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा दे रही है, खासकर हमारे जैसे जो जॉब करते हैं हम लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टाइम कम समय पे जल्दी पहुंच जाना और फिर कंप्लीट करके वापस भी आ जाना। कैसा लग रहा है बेटा इस ट्रेन पे? अच्छा लग रहा है। क्या क्या अच्छा लग रहा है? बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और बहुत ज़्यादा टेस्टी। हमारी यात्रा पूरी हुई और हम आ पहुंचे हैं वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन बिल्कुल निश्चित समय से कुछ मिनट पहले ही। जैसा हमारे यात्रियों ने बताया कि भारतीय रेल की तस्वीर बदल गई है, वंदे भारत ट्रेन में जो सुविधाएं मिल रही हैं बिल्कुल उच्च कोटि की हैं, और ये बता रही हैं हमारे नए भारत की इस तस्वीर को किस तरीके से हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हमारे लिए समय की वैल्यू बढ़ रही है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, वंदे भारत ट्रेन वाराणसी। कृपया ध्यान दीजिए,